दुनिया में इस समय कुल 195 देश हैं और सभी देशों की अपनी कुछ खूबियां हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, या दूसरे शब्दों में कहे तो इन पर कोई अपना कब्जा नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश की मिलिट्री यानी डिफेंस मजबूत होगी उसे ही तो कोई जीत नहीं सकता। होगा आपने सही सोचा, लेकिन सच पूरा नहीं है बल्कि अधूरा सच है। सिर्फ मिलिट्री से ही किसी देश की पावर को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, पॉपुलेशन, वहां पर अवेलेबल रिसोर्सेज और उस देश का इंटरनेशनल रिलेशन। इसके साथ ही उस देश की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को भी कंसीडर किया जाता है। तो कौन से देश सबसे आगे हैं और क्यों, और क्या वाकई ये देश आने वाले समय में भी ताकतवर बने रहेंगे, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया ताकतवर देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 107 और आबादी के हिसाब से दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही साउथ कोरिया जीडीपी के मामले में दुनिया में 14वें नंबर पर आता है, जिसकी जीडीपी लगभग 2.735 की है, जो अपने मिलिट्री पर लगभग 42 बिलियन खर्च करता है। जिसके साथ ही यह देश मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। आपको बता दें कि साउथ कोरियाई मिलिट्री में इस वक्त 11,30,000 के करीब मिलिट्री सोल्जर मौजूद है, जिनमें से 5,55,000 एक्टिव सोल्जर्स मौजूद हैं। साउथ कोरिया के पास लगभग 402 फाइटर प्लेन, 2 हेलीकॉप्टर, 13 डिस्ट्रॉयर, 3,000 टैंक और 22 सबमरीन मौजूद है। तुर्की। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा देश है जो एक नहीं बल्कि 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया और यूरोप में आता है। 7,83,356 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए इस देश की कुल आबादी 85,279,535 है। 3.57 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ तुर्की दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 8,90,700 स्टैंडिंग आर्मी की स्ट्रेंथ वाली टर्किश आर्म फोर्सेस की पावर नाटो में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आती है। नाटो का सदस्य होने से इसकी मिलिट्री पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जो इसे दुनिया का 9वां सबसे पावरफुल मुल्क बनाता है जिसे कोई जीत नहीं सकता। यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, एक जमाना था जब आधी से ज्यादा दुनिया पर अंग्रेजी हुकूमत थी। वर्ल्ड वॉर 1 तक यूके रियल में सुपर पावर था, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया में दूसरी ताकतों का जन्म होता गया और यूके पिछड़ता गया। लेकिन आज भी यूके दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल है और मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में 8वें नंबर पर यूके अपने मिलिट्री पर लगभग $50 बिलियन खर्च करता है। इसके मिलिट्री में कुल 2,21,000 सोल्जर मौजूद है, जिसमें से 1,00,000 एक्टिव आर्मी और 37,000 सैनिक मौजूद हैं। और वही बात करें वेपन्स की, तो यूके की मिलिट्री में 119 फाइटर प्लेन, 227 टैंक और एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अपान। दोस्तों, जापान मैनली 2 ही चीजों के लिए फेमस है, एक न्यूक्लियर हमला झेलना के लिए और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। जापान की टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। यह देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। यहाँ के लगभग हर रेस्टोरेंट में आपको रोबोट देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ के लोग टाइम के काफी पक्के होते हैं। जापान क्षेत्रफल की दृष्टि से और आबादी के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। यह देश कुल 6,800 से भी ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, जिसके कुल क्षेत्रफल लगभग 3,70,955 स्क्वायर किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला है। और क्या आप जानते हैं कि जापान जीडीपी के मामले में दुनिया का 4था सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग 6.110 ट्रिलियन की है, जो अपने मिलिट्री पर लगभग $40 बिलियन खर्च करता है, जो मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में दुनिया में 11 नंबर पर आता है। और वही बात करें मिलिट्री पावर की, तो जापान के पास टोटल 3,09,000 सोल्जर मौजूद है, जिनमें से 2,40,000 एक्टिव वॉर में और 55,000 रिजर्व आर्मी मौजूद है। और वही बात करें वेपन्स की, तो जापान के पास टोटल 217 फाइटर प्लेन, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, 36 डिस्ट्रॉय, 1,000 टैंक और 21 सबमरीन मौजूद है। दोस्तों, 6 पर फ्रांस आता है। दरअसल फ्रांस की मिलिट्री पावर दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है। फ्रांस दुनिया भर में अपने डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। इंडिया ने भी फ्रांस से 36 राफेल प्लेन्स खरीद रखे हैं।
फ्रांस 604,800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इस देश की सबसे खास बात यही है कि यह साहित्य के क्षेत्र सबसे अधिक नोबल प्राइज के विजेता फ्रांस से ही है। फ्रांस की सेना भी दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना है। इसकी सेना में 208,000 से अधिक एक्टिव सेना है। इसकी GDP 2.94 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और फ्रांस अपनी GDP का लगभग 2.1% अपनी सेना पर स्पेंड करता है। फ्रांस एक न्यूक्लियर देश होने के साथ ही यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी है, जिसके कारण इसे वीटो की भी पावर प्राप्त है। हमारा भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। जी हाँ दोस्तों, जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और हमारी मिलिट्री तो दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली और प्रोफेशनल मिलिट्री है। न्यूक्लियर पावर होने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है। भारत के मिलिट्री फोर्स का नाम इंडियन आर्म फोर्स है। इसकी कुल स्ट्रेंथ 1.4 मिलियन की है। भारत के मिलिट्री फोर्स दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है। हमारा डिफेंस बजट भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बजट है। मिलिट्री वेपन्स खरीदने में भी हम दुनिया में सबसे आगे हैं। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इसराइल से हम बड़े पैमाने पर हथियार खरीदते हैं। भारत आजादी के बाद अब तक अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान और फिर उसके साथ आतंकवाद से कई जंग लड़ चुका है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि UN की पीसकीपिंग फोर्सेस में भारत की तरफ से ज्यादा सैनिक होते हैं। चीन दोस्तों दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, हमारा पड़ोसी देश चीन ही है। जी हाँ दोस्तों, चीन जो कि दुनिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश करना चाहता है और अमेरिका से उसके ऊपर पावर होने के स्टेटस को छीनकर खुद लेना चाहता है। रूस जो सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल यानी कि दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, इसकी GDP हालांकि अमेरिका और चाइना से बहुत कम है, क्योंकि इसकी GDP 2 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन डिफेंस में इसके पास अमेरिका की ही तरह जबरदस्त जखीरा है। दुनिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स होने के साथ साथ उसके पास अत्याधुनिक मिसाइल्स और दूसरे खतरनाक हथियार भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो रूस लगभग हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जो इसे सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ रूस ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक पावरफुल गुट बनाया हुआ है, लेकिन रूस भारत का एक नेचुरल अलाय है, जो इतिहास में भारत के लिए मुसीबत में साथ खड़ा रहा है। दोस्तों अब तो आपको पता लग गया होगा इन 10 पावरफुल देशों की खूबियां। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।